समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था आज तक समाज ने चुना है वह निम्न प्रकार के हैं। पहला है राजतंत्र। यह तंत्र किसी देश को बलपूर्वक अपने अधीन करके राजा के द्वारा बनाए गए नीति के तहत समाज का जीवन यापन करना। दूसरा है धर्म तंत्र। यह तंत्र बहुत ही बुद्धिमान लोगों के द्वारा लाया गया मानव निर्मित धर्म तंत्र है। यह तंत्र दुनिया में सबसे घातक तंत्र है। इस तंत्र का विधि या नीति में एक षड्यंत्र के तहत लेख लिखकर जनता को गुमराह किया गया तंत्र क्रिया है। इस धर्म तंत्र के नायक का वंश बहुत बुद्धिमानी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है, चाहे वह देश धर्म तंत्र के अधीन हो अथवा प्रजातंत्र में चल रहा हो। वहाँ का समाज यदि धर्म तंत्र पर है तो एक तरफा गुलाम है, यदि लोकतंत्र पर चल रहा है तो दो तरफा गुलाम बना बैठा है। पहला, राजनैतिक पार्टियों का गुलाम, जो कि उस देश में लंबे चौड़े भाषण के द्वारा जनता का दिल जीतता है, फिर सभी मिलकर आपस में बंदर बांट करके वंशवाद चलाकर पूंजीवाद के माध्यम से गुलाम बनाता है, जनता अपने भाग्य का दोष देता है। यह गलत बात है। हम अर्थात जनता जो व्यवस्था का बीज बोया गया है वोट के द्वारा वही तो काटा जाएगा। दूसरा, मानव निर्मित धर्म का गुलामी। संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान तथा चालबाज के वंश के द्वारा संचालित करके जनता को अनेक धर्मों के अधीन करके जन्नत जहन्नुम या स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जनता के ऊपर अपना हुकूमत चला रहे हैं और समाज को आपस में लड़ाकर मौज मस्ती लूट रहे हैं। तीसरा है प्राकृतिक तंत्र। यह तंत्र मौजूदा समय के नेचुरल स्वभाव को आधार मानकर पूर्ण मानव कल्याण हेतु लोकतंत्र के माध्यम से चलता है। इस तंत्र में मनुष्य को धार्मिक लोकाचार सार्वजनिक रूप में करने से पूर्ण रोक रहता है, व्यक्तिगत रूप में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह अपने निमित्त किसी भी प्रकार से घर या धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए 100% चुने गए सरकारी खर्च पर शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, उसी के अनुसार कार्य का सृजन होता है। अतः आप जनता जनार्दन से निवेदन है कि समाज में शांति बनाए रखते हुए समाज को हर गुलामी से आजाद बनाने में मदद करें। प्रकृति आप सबको सत्य ज्ञान दे और समाज आगे बढ़े। लायक सदस्य बनकर समाज को आगे बढ़ने में मदद करें। देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। सत्यमेव जयते।